Hey guys, कैसे हैं आप लोग? I'm sure कि आप लोग भी बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइज, आज एक और अमेजिंग वीडियो लेकर आया हूं। तो हमारा आईपीएल डस्क की सीरीज चल रही है। सो बेसिकली आज हम व्हाट इज सबनेट मास्क जो है ये सीखेंगे, और ये सबनेट मास्क क्यों इंपॉर्टेंट है, और ये जो है कहां पर हम इस्तेमाल करते हैं, और कैसे आपका सबनेट के बिना आईपीएल डस्क जो है काम नहीं कर सकता। तो चलिए आज के इस वीडियो के अंदर जो पूरा डिटेल में समझेंगे, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। तो गाइज, अगर आप लोग नए हैं तो जाके 35 डेज प्लस सर्टिफिकेशन का जो कोर्स हमारा फ्री का चल रहा है उसको आप एनरोल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, 2000 से ज्यादा स्टूडेंट एनरोल कर चुके हैं। चलिए चलते हैं हमारे आज के वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबनेट मास्क है क्या। सो बेसिकली आपका जो आईपी एड्रेस है वो विदाउट सबनेट मास्क इनकम्प्लीट है। मान लो आपके पास एक आईपी एड्रेस है 192.168.10.1। अब ये आईपी एड्रेस अगर आप एक नेटवर्क इंजीनियर हैं और आपको दिया जाए कि ये आईपी एड्रेस आपको कॉन्फिगर करना है, तो आपको ये आईपी एड्रेस के साथ साथ में इसका जो सबनेट मास्क है वो भी पता होना चाहिए, तभी आप आईपी एड्रेस को कॉन्फिगर कर पाएंगे। अगर आपको सबनेट मास्क नहीं पता है तो आप जो है कोई भी आईपी एड्रेस कॉन्फिगर नहीं कर पाएंगे। सो इसीलिए हमारे जितने भी नेटवर्क इंजीनियर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आईपी एड्रेस को लिखने के बाद उसकी एक स्लैश वैल्यू डालते हैं। तो से फॉर एग्जांपल इसकी स्लैश वैल्यू है 24। अब ये जो 24 है ये 24 रिप्रेजेंट करता है कि आपका इस आईपी एड्रेस के साथ में क्या सबनेट मास्क लगेगा, राइट। अब ये 24 का क्या मतलब है, तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था आप लोगों को कि आईपी एड्रेस जो है वो आपका कितने बिट का है, 32 बिट का है। तो लेट मी राइट 32 बिट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो दो इधर और क्रिएट कर लेते हैं और ये हमारा हो गया 32। यानी कि एक आईपी एड्रेस जो है वो आपका 32 बिट का आईपी एड्रेस है, राइट। अब इसमें जो है ये 24 का क्या मतलब है, सो विच मींस कि आपका ये जो 32 बिट का आईपी एड्रेस है जब हम उसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो इसके अंदर क्या है, आपके 24 नंबर ऑफ वंस अवेलेबल हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो यानी कि यहां पर आपके पास नंबर ऑफ वन कितने अवेलेबल है, 24। अब इसको क्या करना है, आपको 8-8 बिट को अलग कर देना। तो यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यहां पे हम लगा देते हैं डॉट, फिर आपका 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर यहां पे डॉट लगा देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहां पे डॉट लगा देते हैं। अब हमें कितने वन बोले गए, 24, तो 24 तो हमारे पास कंप्लीट हो गए, बाकी कितने बचे आपके पास 32 बिट में से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 आपके पास 0 बच गए हैं। अब अगर हम, मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर एक मैजिक टेबल बताया था, तो मैजिक टेबल के अकॉर्डिंग क्या है, अगर हम इन सभी को, ये जो आपका पहला वाला ऑक्टेट है, तो मैजिक टेबल मैं यहां पे लिख देता हूं, मैजिक टेबल इज 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1। अगर हम ये पहले जो आपके डॉट के पहले के जो 8 आपके 1 है इन सबको हम इसके नीचे डाल देते हैं, तो आपका यहां पर क्या आएगा, 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1, that is equals to 255। इसी तरह से सेकंड में भी आपके सारे 1 है 8 बिट, तो आपका अगेन 255। तीसरे में भी आपके पास यही है 255। अब चौथे में हमारे पास क्या है, यहां पे सारे के सारे 0 है, यानी कि इन सभी जीरो को अगर मैं यहां पे डाल दूं तो ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो, 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 और ये सारे के सारे 8 बिट अगर मैं यहां पे जीरो डाल दूं तो क्या मेरे लिए इन वैल्यूज का कोई मतलब है, कोई वैल्यू का मतलब नहीं है। सो विच मीन्स यहां पे मेरे पास क्या आएगा, जीरो आएगा। सो अब यहां पे जो है आपके पास
क्लास सी का आईपी एड्रेस है 192.168.10.1, ये आपका क्लास सी का आईपी एड्रेस है, तो इसमें स्लैश वैल्यू 24 है, तो आपका सबनेट मास्क क्या आएगा 255.255.255.0। तो ये विदाउट इस सबनेट मास्क के ये आईपी एड्रेस आपका किसी भी डिवाइस में कॉन्फिगर नहीं किया जा सकता। तो ये इंपॉर्टेंट होता है सबनेट मास्क। और आगे एक और वर्ड हम लोग सीखेंगे विच इज कॉल्ड सबनेटिंग। अब सबनेटिंग जो है वो कभी भी आपके आईपी एड्रेस के ऊपर नहीं करी जाती है, वो आपका जो सबनेट मास्क होता है उस सबनेट मास्क के अंदर ही सबनेटिंग करी जाती है, जो कि हम आगे आने वाले वीडियोस के अंदर कवर अप करेंगे। सो बेसिकली आप श्योर की अब आपको पता चल गया होगा कि सबनेट मास्क क्या है, राइट। तो अभी यहां पे हमारे पास तीन तरह के क्लास आईपी एड्रेसेस अवेलेबल हैं। पहला है आपका क्लास ए के, दूसरा है आपके पास यहाँ पे क्लास बी के आईपी एड्रेस, और तीसरे हमारे पास क्लास सी के आईपी एड्रेसेस अवेलेबल हैं। तो जितने भी क्लास ए के आईपी एड्रेसेस हैं उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो क्या होती है, स्लैश वैल्यू आपकी 8 होती है। यानी कि अगर क्लास ए का आईपी एड्रेस है और आपको कोई भी आईपी एड्रेस के साथ में क्लास ए की जो रेंज मैंने बताई थी आपको 0 से लेके 126 तक आपका 27 होता है, बट 27 आपका लूपबैक है, तो इसमें अगर आपकी स्लैश 8 वैल्यू लिखी है तो इसका मतलब आपका सबनेट मास्क क्या होगा 255 सो यहां पे आपके पास आएगा 255.0.0.0। यानी कि इसमें आपके पास सिर्फ पहले 8 बिट जो है वो 255 है, तो उसको अगर हम करते हैं तो आपका 255 आता है। अब इसी तरह से क्लास बी का जो आपका बाय डिफॉल्ट स्लैश वैल्यू दैट इज 16, तो इसके हिसाब से जो हमारी रेंज थी दैट इज 128 से लेके 191 तक है, तो इसमें अगर आपकी स्लैश 16 लगा हुआ है तो इसके हिसाब से आपका जो सबनेट मास्क है वो क्या आएगा 255.255.0.0। तो ये जो है हमारे पास क्लास बी के सबनेट मास्क है क्लास फुल के। अब ये जो आपका स्लैश वैल्यू 24 है तो ये आपका क्या है, यहां पे जो आपकी रेंज है वो आपकी यहां पे क्या है 191 से स्टार्ट होती है और आपकी कहां तक जाती है, आपकी 239 तक जाती है, सॉरी नॉट 239, यहां पर आपकी जो रेंज जाती है वो 223 तक जाती है, राइट। क्योंकि 239 आपका क्लास डी का होता है, वो तो हम यूज नहीं कर रहे। यहां पे जो आपकी स्लैश वैल्यू है क्या है वो 24 है, इसके हिसाब से हमारा जो सबनेट मास्क आएगा वो 255.255.255.0। तो ये सबनेट मास्क जो है वो आपके यूज किए जाते हैं क्लास फुल आईपी एड्रेसेस में। तो क्लास फुल आईपी एड्रेस का क्या मतलब है, अगर कोई भी क्लास ए का आईपी एड्रेस है, राइट, तो वो आपके उसकी जो स्लैश वैल्यू अगर 8 है तो वो आपका एक क्लास फुल आईपी एड्रेस है। अगर कोई भी आपका आईपी एड्रेस बी क्लास का है और उसमें स्लैश वैल्यू 16 है तो इसका मतलब वो आपका क्लास बी का क्लास फुल नेटवर्क है। इसी तरह से क्लास सी की अगर बात करें तो क्लास सी में स्लैश वैल्यू अगर 24 है तो आपका क्लास फुल आईपी एड्रेस जो है वो 24 के हिसाब से आपका क्लास फुल आईपी एड्रेस कहलाएगा। तो ये आपके क्लास फुल आईपी एड्रेसेस हैं, और क्लास फुल आईपी एड्रेसेस तभी तक कहलाएंगे जब तक ये सबनेट मास्क हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आगे आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि ये जो सबनेट मास्क है ये जरूरी नहीं है कि क्लास ए में यही इस्तेमाल हो, क्लास ए में ये वाला भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्लास ए में ये वाला भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब वो कैसे किया जा सकता है उसको हम लोग आगे आने वाले वीडियोस के अंदर जो है कवर अप करेंगे। सो गाइस आई होप कि आप लोगों को व्हाट इज सबनेट मास्क ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप किसी भी डिवाइस में जाएं और वहां पे जाके देखें कि विदाउट सबनेट मास्क कोशिश करके देखें कि क्या आपका आईपी एड्रेस कॉन्फिगर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। सो बेसिकली आज के इस वीडियो में गाइस इतना ही। आई होप कि आपको जो है कुछ नॉलेज मिला होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो नीचे साइड पे सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा के सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ बेल का आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको मिल पाए। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम, गुड बाय।